हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSE कम्युनिकेशन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जब भी आते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन और नए अपडेट के साथ आते हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों आज 9 तारीख है, 9 मार्च, और एक नया अपडेट हुआ है PMD में जो हम जस्ट जो आप लोगों को बताने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बस उस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि PMD में एक नया अपडेट आया है जो कि स्टूडेंट्स ऐड से संबंधित है। तो देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या अपडेट है ना। और दोस्तों लास्ट टाइम रिसेंटली मेरे को कुछ 42 ने कमेंट करके बताया था कि उनका पेमेंट अक्टूबर का नहीं आया था। दोस्तों जिन 42 का अक्टूबर का पेमेंट नहीं आया, उनका पेमेंट पेंडिंग पड़ा था, तो दोस्तों कल की डेट में उनका पेमेंट आ चुका है। तो ये दोस्तों कल इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पेंडिंग 42 का पेमेंट आया ऑनली, तो क्योंकि है ना। और बाकी TPS का पेमेंट भी अक्टूबर मंथ का रिलीज कर दिया गया है, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। देख लेते हैं हम नया अपडेट क्या है। दोस्तों देख लो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम PMD दिशा का ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन मैंने पहले से करके रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे ये ID है। और यहाँ पे पहले यहाँ पे दोस्तों इसमें एक नया अपडेट हुआ है। पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 250 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, हम लोग का सबसे पुराना ID है ये। तो यहाँ पे हमने 250 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, जो कि अब 176 बचे हैं। ये अपने आप एडिट हो गया है इसमें, मतलब ऊपर से उन्होंने कुछ भी चेंज किया है, पता नहीं क्या चेंज किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 250 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, लेकिन 176 स्टूडेंट शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे 131 का टेस्ट कंप्लीट शो हो रहा है, और 121 का सर्टिफाइड स्टूडेंट है ना। तो दोस्तों ये चूँकि इन्होंने 250 का मतलब हम लोग को यहाँ पे टारगेट इंक्रीज कर दिया है दोस्तों। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करके, है ना, हम लोगों ने ऐड स्टूडेंट करके देखा तो ऐड भी हो गया था एक्चुअली ना, एक स्टूडेंट ऐड कर दिया किया है हम लोगों ने, तो वो स्टूडेंट ऐड भी हो गया था। हम लोग बता रहे हैं आपको, वो स्टूडेंट शायद दोस्तों इस आईडी में नहीं, हाँ CSR ID में मैंने एक स्टूडेंट ऐड किया, तो मैं उसको बता दूंगा, है ना। दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें 176 ही शो हो रहा है, जबकि 250 स्टूडेंट हम लोगों ने रजिस्टर किए थे व्यू वाले स्टूडेंट पे, है ना। ये हमारी आईडी है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को बता रहे, प्रोफाइल देख लीजिए, इसी के CSR ID है। ये MP का ID है दोस्तों, तो ये पूरा ID देख सकते हैं आप कहाँ का है, है ना। ये हमारा पूरा ग्राम है ना, देख लिया आप लोगों ने दोस्तों। अब हम लोग आपको CSR ID खोल के दिखा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने CSR में एक अपडेट किया है, ये CSR ये दोस्तों, उन्होंने CSR ID खोल के रखा था यहाँ पर दोस्तों। जो उस ID के रजिस्ट्रेशन थे मैन ID के हमारे, तो उस ID के रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने CSR ID में डाल दी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 250 स्टूडेंट रजिस्टर थे, लेकिन अब 324 हो गए हैं दोस्तों। वहाँ के आधे स्टूडेंटों को मतलब यहाँ पे डाल दिया गया है, बाकी CSR ID में 250 से ऊपर का होता नहीं था टारगेट, ये MP का है। पहले यहाँ पे 23 स्टूडेंट आए होते थे दोस्तों, लेकिन ये CSR ID इसमें बाकी भी स्टूडेंट वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे भी आधे स्टूडेंट मिल लगा। तो दोस्तों टारगेट कम्प्लीट मतलब टारगेट की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो आप लोग आराम से ऐड करके स्टूडेंट देखिए, ऐड हो रहे हैं दोस्तों आराम से, है ना। यहाँ पर दोस्तों 324 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कराए थे पूरा टेस्ट, लगभग इन्होंने समथिंग 9 मंथ पुराने स्टूडेंटों को इसमें ट्रांसफ़र किया है, मतलब जिनका टेस्ट कंप्लीट हुए 9 महीने हो गए या 6 महीने, है ना, समथिंग ऐसे ही कुछ अपडेट किया है। मैं भी थोड़ी सी जानकारी सोचा, हम लोगों ने ये अपडेट आप लोगों को दे दी, इसमें तय अपडेट किया है उन्होंने। देख लो ये भी ID है, हम लोग दिखा सकते हैं इसका प्रोफाइल, है सेम ID है, CSR ID है ना, देख सकते हैं वही की ID है। और इसमें वही सब कुछ है, इसमें टारगेट को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर 324 रजिस्टर बता रहे हैं, और 320 के टेस्ट कंप्लीट बता रहे हैं, 317 सर्टिफाइड स्टूडेंट शो हो रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंटों को उन्होंने CSR ID में अपडेटेड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से, है ना, कोई वो नहीं है इसमें। तो आप लोग भी अपना देख लीजिए, उन्होंने टारगेटेड केस किया कि नहीं, है ना। ये थोड़ा सा अपडेट था, हालांकि इस अपडेट में हमें थोड़ी सी जानकारी थी। जैसे ही कोई न्यू अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग आपको बिल्कुल अपडेट देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिन लोगों को पेमेंट नहीं आया है, दोस्तों नवंबर मंथ का पेमेंट GST ने रिलीज़ कर दिया है। अब दिसंबर मंथ का पेमेंट की जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम आप लोग को वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि हमें सुनने में ये आ रहा है कि दिसंबर मंथ का जो पेमेंट है वो मार्च के एंड तक कंप्लीट लिया जाएगा। तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।